मेरे कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। देखो अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्न प्रश्नवाली 2 सुन लो। प्रश्न 13वां सवाल, ध्यान देना, शुरुआत वाला सरल सा सवाल है। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, उस प्रकार सूत्र लगाना है। 10 इनवर्स x + y / 1 - x / y। शुरुआत का जो सवाल है वो सरल है, इधर से मैं आप लोगों जिसमें कठिनाई होता है उस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें देखना प्रश्न 13वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर कॉस इनवर्स 4/5। ध्यान देना, इधर साइन और साइन है और इधर लाना क्या है हमको, कॉस भी लाना है। इसमें एक चीज याद रखना, इन सभी का फॉर्मूला है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। अगर साइन है तो साइन होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र होता है। अगर टेन रहेगा तो दोनों टेन ही होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अगर कॉस है तो दोनों कॉस होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र होता है। इसको याद रखना, अगर नहीं रहेगा तो उसको एक जैसे करना पड़ता है। इसमें हम क्या सूत्र लगाएंगे साइन का, ध्यान देना। इसमें लगाना पहले ये हो जाएगा, इस प्रकार चुप लिखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला है, इसको लिखना। इसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इतना ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कोष्टक में लिखना, साइन इनवर्स के कोष्टक में लिखना एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में। इस प्रकार आपको इसको याद कर लेना है। अब इसको मान रखना है, देखो ध्यान से, ये लिखना साइन इनवर्स, प्रश्न को ये लिखना, ये 5/13 प्लस, वीडियो को एकदम ध्यान से आपको देखना है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना हो गया 16/65। अब ध्यान से देखना, यहाँ देखो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/13, वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 16/65। यहाँ पर इस मान को रखना है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 5/13, ये रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे 16/65, ये हो जाएगा 16/65, ये पूरे घात क्या हो जाएगा 2। ध्यान पूर्वक मान रखना है आपको, एकदम ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये प्लस फिर से वाई आया, वाई का मान कितना है 16/65, यहाँ पर लिखेंगे 16/65, फिर ये 1 माइनस हो गया, एक्स की जगह में क्या लिखना है 5/13, ये हो जाएगा 5/13, चूंकि इसमें देखो घात 2 है इसलिए क्या लगाएंगे घात 2, यहाँ से क्या करना कोष्ठक बंद कर देना। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 5/13 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, ये घात 2 है तो दोनों के लिए, मतलब 16 का स्क्वायर होगा और 65 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 दूनी 32 नहीं करना, 16 × 16 कितना हो जाएगा, 16 × 16 करेंगे तो 256 होगा, और ये 65 × 65 करेंगे, अब गुणा करके देख लेना, इस प्रकार 65 × 65 तो इसका आ जाएगा 4225, आप लोग गुणा करके इसको देख लेना। फिर ये हो जाएगा प्लस, ये 16/65 हो गया, फिर से रूट होगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। क्लियर है, इसके बाद ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 को वैसे ही लिख देना है, यहाँ पर ये हो जाएगा रूट, यहाँ पर त्रिकोणा होगा, यहाँ एक लिख सकते हैं तो त्रिकोणा होगा, 4225 को गुणा एक में करेंगे तो ये हो जाएगा 4225 माइनस 256 का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा 256, फिर से 4225 का गुणा एक में करेंगे तो 4225। फिर ये हो गया प्लस 16/25 को 16/65 को वैसे ही लिख देना, फिर रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा त्रिकोणा होगा, ये हो जाएगा 169 माइनस ये 25 हो जाएगा बटे 169। यहाँ हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 5/13 वैसे लिखना है, उसको घटाएंगे 4225 में 256 को घटा कितना हो जाएगा 4225 में 256 को घटाते हैं, ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ से ये हो जाएगा 15 में 6 गया 9 और ये हो जाएगा 12 में 6 गया 6 है और 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 1 गया 9,
छियानवे से कितना बचा 3, कितना हो गया 3969। यहाँ इसके लिए हमें क्या लिखेंगे 3969 और बटे में क्या लिखेंगे 4225। क्लियर है इतना। प्लस ये हो गया 16/65 को वैसे ही लिखेंगे, ये रूट हो गया 169 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 144 बचेगा और ये हो जाएगा 169 वैसा ही रहेगा। एकदम ध्यान पूर्वक आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है और इस टाइप का प्रश्न आता है। देखना यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया 5/13। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान देना ये वर्गमूल दोनों के लिए है। तो 3969 का वर्गमूल होता है, आप भाग विधि से निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 3969 इसका जो वर्गमूल होता है याद रखना 63, आप निकाल सकते हो। 4225 यहाँ पर देखना 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225, तो 4225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 65, इसको लिख देना 65। अब यहाँ पर वर्गमूल हटा देना, क्लियर है इतना। ये हो गया प्लस 16/65 को वैसे ही लिख देना, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, तभी हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ बुरा होगा, बुरा का निशान मतलब ऊपर ऊपर का बुरा होता है और नीचे नीचे का बुरा होता है। ये होगा 5 × 15 = 5, हसीला 1 × 5 = 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, बटे इसको रहने दो 13 × 65 ही रहेंगे, बुरा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस इसको बुरा करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं कर, देखना यहाँ बुरा करेंगे, ये 16 × 32 की 2 हो जाएगा और हासिल है 3, 16 × 16, 16 × 3 = 19। एक सौ 92 हो गया, फिर से इसको लिख देना कितना हो गया 65 × 13। क्लियर है इतना, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना 13 × 65 और 13 × 65 दोनों का धार समान है, एक बार लिखेंगे तब ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इस प्रकार लिखना 13 × 65 का धार एक समान है, 13 × 65 को एक बार लिख देना और नीचे में क्या था 315 + 192 दोनों का जोड़ देना, ये हो जाएगा 315 + 192 इसको जोड़ देना, तभी हो जाएगा कितना, देखो साइन इनवर्स हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 × 2 = 7, 9 + 10 = 0, 3 × 4 = 5, 507/13 × 65। अब इसको कटाएंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये देखना इधर इसको कटाएंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 13 × 13, 13 × 3 = 39 और इसमें बचे कितना 11 और ये 7, तो 13 × 117, तब ये कितना हो गया 39। अब यहाँ से फिर से बचा, यहाँ 39 लिख देना, ये 39 हो गया, तभी हो गया साइन इनवर्स कितना बचा 39/65, फिर से घटाएंगे 13 × 39, 13 × 5 = 65, तो कितना आ गया साइन इनवर्स 3/5। ध्यान देना अभी साइन में आया है, हमको मान किसमें निकालना है कॉस में, यहाँ पर ध्यान देना इसमें, तो इसको किसमें बदलेंगे हम कॉस, देखना इसको साइन को किसमें बदलना है हमको कॉस में, क्योंकि उत्तर लाना है कॉस इनवर्स 4/5, लेकिन उत्तर क्या आया साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पर लिखना, चूंकि यहाँ पर लिख लेना ये होता है कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा √1 − x², ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ध्यान देना इसमें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो क्या था 3/5 बराबर लिखना कॉस इनवर्स, रूट लिखना 1 − देखो x, यहाँ ध्यान देना x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/5, यहाँ पर क्या लिखना x की जगह लिखना 3/5 × 2, तब ये हो जाएगा ये साइन इनवर्स 3/5 बराबर लिखना कॉस इनवर्स, रूट हो जाएगा 1 − 3 × 5 = 25, तभी हो जाएगा बराबर कॉस इनवर्स 25 × 25, इस प्रकार हल कर सकते हैं −9 कितना हो गया 25, तभी हो जाएगा कॉस इनवर्स 25 में से 9 हो गया 16, 16/25 कितना आ गया 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, मतलब कितना आ गया उत्तर कॉस इनवर्स 4/5, यही क्या है इसका आंसर है, इसको सिद्ध करना था, तो आ गया।
यहाँ से लिख लेना टू डेट करके सिद्ध हुआ टू डेट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।